हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि एएलपी और टेक्नीशियन का सीबीटी 2 का जो रिज़ल्ट है घोषित कर दिया गया है, और आज यहाँ पर हम एक कैंडिडेट का यहाँ पे रिज़ल्ट लेकर आए हुए हैं, और हम आपको बताएंगे यहाँ पे इसके मार्क्स कितने ज़्यादा यहाँ पर बढ़े हुए हैं, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाले वीडियोज भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। और भी 30 से 40 लोगों का डेटाबेस मेरे पास रखा हुआ है, तो वो इस वीडियो के अंतर्गत आपको धीरे धीरे आगे भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी वो वीडियो आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपने अपडेट की ओर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एएलपी और टेक्नीशियन का रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो गया है। अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग जोन में यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, किसी के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो वो सब इंफॉर्मेशन जो भी है आप सभी लोगों ने अपनी अपनी देख ली होगी, और कई लोग सकते में हैं कि यहाँ पे उनके मार्क्स कितने बढ़ गए। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट का यहाँ पर मैं एक एनालिसिस लेकर आया हूँ। यहाँ पे इस कैंडिडेट के मार्क्स तो बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा है, और जितने भी मेरे पास एनालिसिस है, मेरे पास डेटा है, उन सब में सबसे ज़्यादा मार्क्स इस कैंडिडेट के बढ़े हैं। और भी डेटा मैंने रखा है, और तो वो मैंने भी इतने अच्छे से तो चेक किया नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स मैंने देखे, तो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी का खेल था। ठीक है, दो सेक्शन में एग्ज़ाम पूछा गया था। ठीक है, पार्ट ए जो था 100 मार्क्स का था, और पार्ट बी जो था आपका 75 मार्क्स का था। ये पूरा पेपर क्वालिफाई था, पार्ट बी का सिर्फ पास करना था। तो यहाँ 35% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे, और 35% जो बनते हैं 26.25 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे लेकर आने थे। तो यहाँ पे पार्ट ए का समीकरण क्या था कि पार्ट ए में आप जितने से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उतने आप लेकर आइए, वो सब आप जो था पार्ट ए में जितनी भी मेरिट बनने वाली थी, तो पार्ट ए में हाईएस्ट मार्क्स वालों की यहाँ पर बनने वाली थी। तो देखने वाली बात ये रही कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ वाले थे। ठीक है, और फिजिक्स मैथ वालों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं सभी जितने भी लोगों का मैंने रिजल्ट देखा। साथ ही साथ उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के थे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के थे कैंडिडेट, तो वहाँ पर उनके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मैंने देखे हैं, उनके दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो फिटर ट्रेड से हैं, ठीक है, उनने भी काफ़ी मदद की है। और चौथे नंबर पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कैंडिडेट थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, तो उनने भी अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है। तो ये सब बातें थी, तो ये सब आप सभी लोग को पता है पहले से, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो पार्ट ए से यहाँ पर क्वालिफाई पूरी आपकी मेरिट बननी है आगे के टेस्ट के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अपडेट की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हुआ हूँ मैं, कैंडिडेट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाया हुआ हूँ, और यहाँ पे मैंने इसका नाम यहाँ पे छुपा के रखा है, ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल सेफ बनी रहे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कैंडिडेट का नेम, ये भी मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखूँगा कि पार्ट ए का रिजल्ट है। ठीक है, पार्ट ए का है ये, और पार्ट ए का पूरा पेपर था 100 मार्क्स का, और यहाँ पे इस कैंडिडेट ने यहाँ पे टोटल अटेम्प्ट किए हैं 75। ठीक है, 75, और साथ ही साथ इसके जो बहुत अच्छी बात रही है इस कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 60 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट ने एक्वायर किए हैं, मील ऑब्टेन किए हैं, और यहाँ पे करेक्ट हैं 60 क्वेश्चन इसके, और यहाँ पे इसके रॉन्ग हो गए हैं 15। ठीक है, और 15 के बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा। तो यहाँ पे जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 100 में से ही इसका रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलिड क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे इसके जो मार्क्स आए हैं रॉ मार्क्स, तो यहाँ पे देखने वाले हैं मार्क्स 55 नंबर आए हैं, 75 इसने यहाँ पे अटैम्प्ट किए थे, तो यहाँ पे 55 आए हैं, और यहाँ पे 100 में से भी इसके 55 आए हुए हैं। ठीक है, और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको बताता हूँ उसके मार्क्स यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 78.27 मार्क्स यहाँ पे इसके कैंडिडेट के यहाँ पे आए हुए हैं।
मीन्स मैं बात करूँगा अगर इस कैंडिडेट की, तो यहाँ पे इस कैंडिडेट ने यहाँ पे जो इसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, +23 मार्क्स यहाँ पे इसके इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ 23 मार्क्स का इसको इंक्रीमेंट मिला है। तो यहाँ पे ये फिजिक्स और मैथ कैटेगरी से था, और ये पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इसके बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भोपाल जोन से है, तो लगभग लगभग इसके पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे इसके सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और बढ़ते हैं हम पार्ट बी की ओर, तो पार्ट बी में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पार्ट बी में सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क्स जो थे तो यहाँ पे क्वालिफाई करने थे, ठीक है, क्वालिफाई करने थे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर नहीं आना था। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी कि आपको 26.26 मार्क्स यहाँ पे आपको लेकर आने थे। तो हम बढ़ते हैं उस कैंडिडेट के जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी में यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट ने यहाँ पे कितने मार्क्स यहाँ पे एक्वायर किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट बी का ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पार्ट बी उसी कैंडिडेट का ये पार्ट बी है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कैंडिडेट के जो मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ भी अच्छे खासे मार्क्स यहाँ देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे +4 मार्क्स यहाँ पे इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट के तौर पे मिले हैं, ठीक है। +4 मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे 4 मार्क्स इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पार्ट ए जो था इसका पार्ट ए, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 23 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और पार्ट बी है और यहाँ पे इसको हुए हैं +4 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज। तो टोटल टोटल यहाँ पे इसको पार्ट बी में यहाँ पे 26.25 नंबर ही लाने थे। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट जो है तो यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया है। तो ये कैंडिडेट सेलेक्ट होने के यहाँ पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये मैथ फिजिक्स वाला है और पार्ट ए में इसके 78 मार्क्स आपने देख ही लिए हैं। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ लोगों के इतने मार्क्स यहाँ पे कैसे रहे इतने ज़्यादा, ये तो कोई भी नहीं जानता किसके मार्क्स कितने बढ़े हैं। आप सभी लोगों से विनती है कि अगर आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने दोनों जो पार्ट ए और पार्ट बी का है, तो दोनों स्क्रीनशॉट आप हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए। तो हम आपका एक वीडियो लेकर आएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आपके चांसेस हैं या नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी क्वारीज वगैरह हैं कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके सवाल हैं हम एक पॉजिटिव सा आपको उसका आंसर जरूर देंगे। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक थैंक यू का मैसेज जरूर लिखें। ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास करीब 50 लोगों का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, समय समय पे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियोज भी आपको हमारे मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।